नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खपेल एरिया बनारस से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें खड़ी हूँ मैं जिला वाराणसी में आजमगढ़ वाली रोड पे, जो कि छोटा लालपुर है। यहाँ पे सब्जी मंडी के पास आप देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़ा गजा हुआ है और कितने दिन से गजा हुआ है और पूरी तरह से ये कितने आधे सड़क तक फैल गया है। और फैलने की वजह से यहाँ के साग सब्जी लगाने वाले लोगों को और आने जाने के लिए किस तरह से दिक्कत हो रही है। जैसे कि इस स्वास्थ्य जो कि स्वच्छता अभियान को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के लिए लाखों करोड़ों बजट तो खर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसी हालत बनी है जहाँ की आज इस कूड़े में गर्मी में इतनी बरसात के समय में इतनी महक है कि लोगों को आना जाना रहना, अगर ऐसी स्थिति रह जाए तो किस तरह की बीमारियां फैलेगी और किस तरह से लोग यहाँ पे स्वस्थ रहेंगे। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि इस जो कि बरसात में जो कूड़े और पानी बचा रहे हैं, आधे सड़क फैले हैं, तो इस समय किस तरह की परेशानी हो रही है। तो भैया, ये यहाँ पे जो कूड़े गजे तो किस तरह का परेशानी हो रही है आप लोगों का इस बरसात में? ये सभी कूड़े यहाँ उठता नहीं है, दो दिन तीन दिन के बाद उठता है, कहने के बाद भी सुनते नहीं है, कान में सुन लो कान निकाल लेते हैं। समस्या से पूरा भाग रहा है, कूड़े कटोरे पड़ रहे हैं, गंदा आने जाने स्कूल में बच्चे हैं, जो गैया साड़ा लड़ जाते तो चोट लग जाता है। इस समय में आपकी दुकान पे किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? शिकायत करेंगे भाई, आप कूड़ा फेंकते हैं, आप कूड़ा उड़ा क्या, आप लोग सूचना नहीं देते हैं, हम सूचना देते हैं, उसके बाद कहीं सूचना कहाँ पे दिए थे भैया? कितने आते हैं कूड़ा फेंकने वाले होते हैं, जो नगर निगम के आते हैं, रात को फेंकते हैं, जो जब कहा जाता है कि भाई रोज हर रोज सुबह आकर उठवा लीजिए, रात उठवा दीजिए, नए कूड़े रोज उठवाना चाहिए, जरूरी है। ऐसे जनता भी परेशान है, बात बच्चों स्कूल वाले आते जाते हैं, साढ़ गैया लड़ रहे हैं, एक बार आ जा रहे हैं। भैया, इस कूड़े से कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं सब्जी मट्टी के आप लोग? यह तो कम से कम समझते हैं कि 300 भरे से ऊपर हो। अब कितने लोग परेशान हैं इससे? इससे जनता तो रोज ही परेशान है, आगे जाने वाले रोज परेशान हैं। छुट्टी होते हैं, लड़कियाँ होती आ जाती है, अभी गैया साढ़े लड़ जाते हैं, खाते खाने भीड़ भर जाता है, कभी चोट लग जाते हैं, टेम्पू है गाड़ी से। तो भैया, जब कोई आने वाला होता तो क्या होता, सफाई होती है इसकी? होती है, किसी आज कहेंगे तो दो दिन बाद होती है। इसमें कितने दिन का लगा हुआ है कूड़ा? तीसरा दिन हो गया। तीन दिन से लगा हुआ है। जैसे कि भैया बताएं कि शिकायत करने के बावजूद भी तीन दिन चार दिन तक ये कूड़ा लगा रहता है, आप देख सकते हैं। आ जाएगा, कूड़े का फोटो खींचेंगे, उसके बाद ढूंढ लेंगे, अच्छा उड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़े लगे हैं और बीच में वो गैया खा रही है, क्या ऐसे प्लास्टिक खा रही है गैया, तो किस तरह की बीमारी फैलेगी। और इस तरह जो पानी है, कूड़ा है, करकच है, इतनी गंदगी है कि आने जाने में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है भाई इसमें। आपका नाम चाचा? इस रास्ते से आ रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? किस तरह की बीमारियां लग रही, किस तरह के महक आ रहा है? आपका नाम दीदी? किस कूड़े से किस तरह के समस्या आप लोग को लग रही है, किस तरह की बीमारी फैल रही है? गंदा है, आओ कहा बीमारी फैलने वाला है। इसमें पानी में देखा जाए तो कीड़ियाँ भी पड़ गई है। कहीं सफाई करे तो चाहिए, गमक देखो तो ना लेते। तो यहाँ की जो सब्जियाँ है आप लोग ले जाती हैं, खाती हैं, तो उससे कोई दिक्कत? दिक्कत का ये बीमारी फैलल भाई आज तक जैसे ने अम्मा जी कहा कि ये जो गंदगी से सब्जी भी बिचाती है, इससे खाने से भी परेशानी होती है। और लेकिन देखा जाए तो ना इसके किसी प्रशासन की नजर जा रही है, ना कोई सरकार लोग इस पे नजर डाल रहे हैं कि जो इतने कूड़े कचरे पूरे
रास्ते पर फैल जाने हैं, इसका किस तरह से निदान किया जाए। हालांकि यहां के अधिकारियों की भी आंखें नहीं खुले कि पूरे सड़क पे जिस तरह का कूड़े भरा हुआ है, आने जाने से यहां के साग सब्जी बेचने वालों को परेशानी है। हालांकि अगर कूड़ा समय से उठ जाता तो इतनी दिक्कत यहाँ के लोगों को नहीं होती। आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़े करकट बेचे हुए। मेरे चैनल को जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।